हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो आज जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम कोई भी स्ट्रेटेजी ना कोई कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आज यार मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ जो लिटरली आप लोगों से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यू नो, अभी 70 डेज रह गए हैं हमारे नीट के एग्जामिनेशन को, ठीक है। काफ़ी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, काफ़ी लोग बहुत ही सॉलिड चल रहे होंगे, काफ़ी लोगों का प्रिपरेशन में अभी उन्हें लगता है कि कमी हो रही होगी, काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी अभी हमारे दिमाग में, ठीक है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यार अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, आप सबको पता है, 70 डेज रह गए हैं, ठीक है। कहाँ से जर्नी शुरू करी थी और बिल्कुल अब एंडिंग स्टेज पे आ गई। आपसे पहले एक बैच पहले भी था जिन जो मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट थे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। बाय द वे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, अविरल ब्लॉग्स करके, लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करना, ठीक है। चलो, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था और बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये हो रहे होंगे ना, डीमोटिवेट हो रहे होंगे, या डीमोटिवेट होने का अभी टाइम देखो जी, जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम पास आता है, अपने अंदर की जो मतलब फीलिंग्स होती है हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। हमारा टेस्ट में स्कोर कम आता है, हम लोग सोचते हैं नहीं हो पाएगा। हमारे कुछ चैप्टर्स बचे होते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं हो पाएगा अब हमारा। हम अगर क्या कहते हैं, कोई आस हमारे जो साथ वाला होता है हमसे आगे चल रहा होता है, हमें लगता है नहीं आ पाएगा। उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें लगता है नहीं हो पाएगा। यार एक खुद से सवाल पूछना कि सपना जो तुमने आज देखा था कुछ टाइम पहले, उसको पूरा करने के लिए बस तुम्हारे पास 70 डेज रह गए हैं। ओनली 70 डेज आर लेफ्ट। तो अब घबरा के बैठने का वक्त है या उठ के लड़ने का वक्त है? ये बहुत ही मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से आज कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि यार काफ़ी बच्चे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, कमेंट्स करते हैं कि भैया बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं। यार डीमोटिवेट शन को हटाओ, नेगेटिविटी को अपने पास आने मत दो। क्या पता यार तुम इतनी अच्छी तरह से जो अभी तुम क्या कर रहे हो, सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो टाइम जो तुमने पढ़ाई में लगाना था, स्टडी करनी थी, वो आप इंडल्ज कर रहे हो अपनी नेगेटिव थिंकिंग में, ठीक है। क्या पता सेम टाइम जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आप डीमोटिवेट होकर पढ़ाई ना छोड़ के अगर आप लोग अभी कुछ अपना पढ़ रहे होते, तो 1% अगर वो चीज़ आपकी आ गई एग्जामिनेशन में, वही टॉपिक आ गया, तो यार ये टाइम नहीं है सोचने का, फालतू वेस्ट करने का। अब टाइम है कुछ करने का, अब टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। 70 दिन रह गए हैं, फटाफट अपना सिलेबस देखो कि कितना मेरा सिलेबस रह गया है, उसको इवेल्युएट करो। यार आप लोगों के पास ये नहीं कि आपके पास 7 साल है पेपर निकालने का, सिर्फ 70 डेज हैं आपके पास। अब उसमें आप लोग अगर डिमोटिवेशन के कारण बिल्कुल सोच के अपना टाइम ही वेस्ट करना है तो बात अलग है, लेकिन अब उठ के जो सोचा था सपना उसको पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, तो भाई अब कोई बहाना नहीं चलेगा। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कोई नहीं, मैं तब भी टेस्ट दूंगा या दूंगी जब तक मैं अपना नीट का पेपर फोड़ के आऊंगा या आऊंगी नहीं। मुझे नहीं मतलब मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मुझे बस ये देखना है कि क्यों कम आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और मुझे उसको क्यों का रीजन देखना है और अपने पेपर में ये गलतियां नहीं करनी। यार अभी सिलेबस पूरा नहीं है, होता है कि टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं कि यार अभी हम लोग थोड़ा अपना आगे का पढ़ रहे होते हैं, बैकलॉग लगा होता है, चीज़ें कवर नहीं हो पाती। इन सबको अब ये सब ना अब अपना टाइम सोचने में वेस्ट मत कर दो, बिल्कुल अपने आप को 70 दिन के लिए बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस आपकी स्टडीज़ होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 70 डेज हैं और उसके बाद ज़िंदगी और पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। क्योंकि जब सपना अचीव कर लोगे ना, जो चीज़ सोची थी ना आज से साल पहले, अगर वो चीज़ अब अचीव कर लोगे ना, तो लिटरली आप अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस है, उसको प्राउड फील कराओगे, ठीक है। आप खुद सोचो, मैं हर बार यही कहता हूँ कि यार आप अपने लिए नहीं, आप लाखों लोगों को इंस्पायर करने के लिए पढ़ रहे हो। लाखों लोग आपके जानेंगे, लाखों लोग अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके इंस्पायर होंगे, और लाखों लोग जब आपके जिस तरह से आप अगर स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी एक उम्मीद आएगी कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी, और अगर वो भी करके दिखाएंगे तो फिर उनकी फैमिलीज के लिए भी अच्छा होगा, पूरे हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो यार ये आप एक छोटा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो अपने आप को बिल्कुल बांध लो कि यार इतना टाइम रह गया है, अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, टेस्ट देने हैं ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजीज कैसे फॉलो करनी है ठीक है, सारी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, फॉलो कीजिए, लिटरली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसा जैसा कह रहा हूँ बस आप करते जाइए, बस करते जाइए यार, और बस अपने आप के अंदर बस दिमाग डाल लीजिए कि बस वो 3 घंटे मेरे होंगे। आज टेस्ट में ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आप लोग तो अभी देख रहे हैं, हम तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बच्चे होते हैं जो 600-600 टेस्ट में लाते हैं, बट 3 घंटे क्या पता उसकी किस्मत ना चले और वो 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ तेरे हों, कुछ नहीं पता आगे क्या हो सकता है। तो अपने आप को भी पीछे मत धकेलो, अब टाइम है उठ के आगे बढ़ने का, क्यों, क्योंकि आधे बच्चे तो ऑलरेडी हार मान चुके हैं, तो जब जो हार मान चुके वो तो तुमसे पीछे है ना, अब जो तुमसे आगे हैं वो भी क्या पता हार मान सकते हैं, तो तुमने क्या करना है, अब अपनी जंप लगानी है और बिल्कुल पार, समझ रहे हो मेरी बात। तो यार ये डीमोटिवेशन हो गया, कुछ भी हो गया, इन सबको दूर भगाओ, कुछ नहीं है, तुमने बस दिन रात अब कोई फालतू वालतू काम नहीं करना, कहीं घूमना नहीं, कोई किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड नहीं करनी, बस आपको अब कंसंट्रेट करना है कि दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज, सिर्फ आपको अब पढ़ाई करनी है, अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में इंडल्ज करना है, कहीं कुछ नहीं करना, टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है अच्छे से, और बस वेट करना है उस डेट का जिस दिन आपके वो 3 घंटे होंगे, और 3 घंटे बाद जो मुस्कुराहट आपके चेहरे में होगी उसका इंतजार करना है। अपने आप को इमेजिन करो ना कि यार अगर आप वो दिन, जब भी डिमोटिवेशन होता हो ना तो अपने आप को इमेजिन करा करो कि यार वो दिन इमेजिन इमेज बनाया करो अपने दिमाग में कि जिस जो तुम चाह रहे हो बनना, तो अपने आप से इनर मोटिवेशन डेवलप हो जाएगी। ये वीडियो मैं छोटी सी रखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो, क्योंकि इसमें हम कुछ बस मैं जो छोटी बातें आप लोगों से छोटी बट कह सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 70 दिन है, जी जान लगा दो, फोड़ के आना है पेपर, जी जान लगा देनी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब करके रहना है तो रहना है ठीक है, जो इतना टाइम से हमने मेहनत कर ली ना, इस मोमेंट में हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना हम लोगों को लोग कह दें कि तुझसे नहीं होगा या हमारे टेस्ट में नंबर नहीं, तुझसे नहीं हो रहा, बस अपने जो क्यों वो चीज़ देखो ना कि रीज़न क्या है, जो चीज़ें हो नहीं पा रही है उसको ढूंढो और उस पर वर्क करते जाओ, लिटरली आई गारंटी यू वो दिन वो 3 घंटे सिर्फ तुम्हारे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, तो बस यार जी जान एक कर दो और लग जाओ अपनी मेहनत पे, तो प्लीज प्लीज बस यही कहूंगा, अब बस अपनी स्टडीज पे और जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है साइड रख और अपनी पढ़ाई पे लग जा ठीक है। और यार प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, अविरल ब्लॉग्स करके है, बहुत सारी उसमें चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स भी आज मैं न्यूरल कंट्रोल के नोट्स प्रोवाइड करूंगा ठीक है, इस वीडियो के बाद जरूर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में होगा, और अगर लिंक ना मिले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन लोड करना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अविरल ब्लॉग सर्च करना और ज्वाइन हो जाना ठीक है ओके। और इंस्टाग्राम चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, @13 अविरल मेरा यूजर नेम है ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।